ये दोस्तों आज हम पढ़ते हैं बीएससी सेकंड ईयर में बॉटनी का फर्स्ट पेपर जो माइनर इलेक्टिव और मेजर तीनों के लिए है। इसमें हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट जिसके अंतर्गत इमारती लकड़ी उद्योग में पादप, इसमें इमारती लकड़ी उत्पादन वृक्ष एवं उनके उत्पाद जिसके अंतर्गत शीशम, साल, सागौन, बबूल वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे, बाँस और बेंत उद्योग, कत्था उद्योग। और ये सबसे पहले इमारती उत्पादन, तने और शाखाओं से ही इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। भारत में शीशम, साख, सागौन, महुआ, देवदार, कीड़, चीड़, सरसा, अबनूस, तून, पड़ोक, आम, नीम, बबूल आदि महत्वपूर्ण इमारती लकड़ियाँ होती हैं। सागौन बर्मा, थाईलैंड और जावा में भी होता है। आइए हम सबसे पहले शीशम इमारती लकड़ी के बारे में पढ़ते हैं। शीशम, इसका वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया सिस्सू है। जगत पादप गण फेविलस, कुल फेविसी वंश, डलबर्जिया जाति सिस्सू। शीशम उपयोगी वृक्ष है। इसकी लकड़ी, पत्तियां, सभी जड़ें सभी काम में आती हैं। लकड़ियों से फर्नीचर बनता है। पत्तियां पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त चारा होती हैं। जड़ें भूमि को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। पत्तियां व शाखाएं वर्षा जल की बूंदें को धीरे धीरे ज़मीन पर गिराकर भूजल भंडार बढ़ाती हैं। शीशम की लकड़ी भारी, मजबूत व बादामी रंग की होती है। इसके अंतः काष्ठ की अपेक्षा बाह्य काष्ठ का रंग हल्का बादामी या भूरा सफेद होता है। लकड़ी के इस भाग में कीड़े लगने की आशंका रहती है, इसलिए इसे नीला थूथा जिंक क्लोराइड से उपचारित करना आवश्यक है। शीशम के 10 से 12 वर्ष के पेड़ की तने की गोलाई 70 से 75 व 35 से 30 वर्ष के पेड़ की गोलाई 135 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके एक घन फीट लकड़ी का वजन 22.5 से 24.5 किलोग्राम तक होता है। असम से प्राप्त लकड़ी कुछ हल्की 19 से 20 किलोग्राम प्रति घन फीट वजन की होती है। और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आइए और हम वीडियो में अगले वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।